बालकों के सहयोग से जामबहार जनशिक्षा केंद्र ने ग्रामीण खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया। प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों के 21 प्राथमिक और 4 माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बालकों के सहयोग के लिए आयोजकों ने बालको प्रबंधन का आभार जताया। बालकों के सहयोग से जामबहार जनशिक्षा केंद्र में 3 दिवसीय खेल स्पर्धा हुई। इसका उद्घाटन बालकों के सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने किया। श्री खेर ने बताया कि बालको प्रबंधन की ओर से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जनशिक्षा केंद्र की पहल सराहनीय है। बालको के समुदाय विकास में आने के बाद में आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे काफी कुछ हो रहा है गांव के बेहूदी के लिए, गांव के उन्नति के लिए, गांव के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका लाइवलीहुड के बारे में हो, उसके बारे में सब चीज़ें जो है आस्ता आस्ता हो रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले और दिनों में और कार्यक्रम होते रहेंगे और हम अपने आसपास के पड़ोसी गांव का जो है विकास चाहते हैं, उनको उनमें जो एक उत्साह लाना चाहते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े, देश के उन्हीं गांवों में चुने जाएं, उन्हीं एरियाज में चुने जाएं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। खेलकूद स्पर्धा की शुरुआत श्री खेर ने गोला फेंक कर की। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, दौड़ आदि स्पर्धाएं हुई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 21 प्राथमिक और 4 माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वॉलंटियर बच्चों से मेरा अनुरोध है, यहाँ मंच कबड्डी के मैदान में पहुंचे। जामबहार में आयोजित समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालको महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता बैद थी। आयोजन समिति की ओर से श्रीमती बैद व अन्य विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। इस मौके पर श्रीमती बैद ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद अत्यंत जरूरी है। उन्होंने महिला मंडल की ओर से संचालित अनेक गतिविधियों से नागरिकों को अवगत कराया। अत्यंत हर्ष की बात है कि जामबहार जन शिक्षा केंद्र ने बालकों के सहयोग से खेल स्पर्धा का आयोजन किया। आप खेल के द्वारा भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खेल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, और यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर भी पूरा ध्यान दें। बालको महिला मंडल समय समय पर एक्टिव प्रेशर सूचक, एक्टिव प्रेशर थेरेपी का कैंप, नेत्र शिविर और महिलाओं के लिए गाइडो कैंप आयोजित करते रहते हैं, जिसमें ओपन फॉर ऑल, सभी लेडीज के लिए, सबके लिए खुला होता है। और अभी योगा का शिविर भी आयोजन किया। बालको महिला मंडल न केवल बच्चों और यंग लोगों के लिए बल्कि वृद्धाश्रम के लिए भी समय समय पर सहायता करता रहता है। और हमने देव प्रेरी में भी 5 बच्चों को आजीवन गोद लिया है, जिनकी शिक्षा, दीक्षा, खाने पीने का पूरा प्रबंध बालको महिला मंडल कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम आनंद मेला का भी आयोजन करते हैं। उस आनंद मेले से जो भी आय होती है, हम समाज की जो वर्ग निधि होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनके ऊपर खर्च करते हैं। महिलाओं को जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए कुटीर उद्योगों का सहारा लेकर के हम उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो दोने बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, और रतन जोत के पौधे लगाने का काम, और सिलाई का काम हम उनसे करवाते हैं, ताकि उनके आय का कुछ जरिया हो सके। हमने बालको में एक ऐसा चिकित्सालय भी खोला है, जो लोग फीस नहीं दे पाते, डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए नहीं जा सकते,
वो आगे सप्ताह में दो दिन तक फ्री कंसल्टेंसी और फ्री मेडिकल पूरे मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। श्रीमती बैद ने खेलकूद स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। लंबी कूद, गोला फेंक में प्रतियोगिता के समापन पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। I'm not afraid.